ये आपके देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके द्वारा होनी चाहिए, और दूसरा इसकी जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा होनी चाहिए कि जो 6,300 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस पर खर्च किए हैं ये पैसा कहां से आया, इसकी पूरी जांच भी होनी अनिवार्य है। उन्होंने आतिशी और इसके अलावा आतिशी आपने इसके अलावा कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि आप सीबीआई से समय मांगेंगी एलजी के मामले में, उसका क्या हुआ, क्या उसकी शिकायत भी आप साथ में करने वाली हैं या वो मामला अलग है? देखिए उस मामले की भी हम शिकायत करेंगे, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली ऑपरेशन लोटस पर एक नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों को की सरकार गिराकर विधायकों को खरीद कर जहां जहां सरकारें बनाई हैं, हम उसकी जांच की मांग आज सीबीआई से करने वाले हैं। आपके पास क्या सबूत है? अगर आपकी जांच नॉट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर बट बाय द सीबीआई एंड ईडी, बट स्पेसिफिकली रिस्पोंडिंग टू द डिमांड ऑफ द बीजेपी, आर यू विलिंग टू ओपन योरसेल्फ फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पेसिफिक क्लेम ऑफ योर ओन एमएलए? हम तो कह रहे हैं करिए दिल्ली की जांच, करिए दिल्ली की जांच के किस तरह से विधायकों को खरीदने बेचने की कोशिश की गई है। हम ये भी कह रहे हैं कि करिए महाराष्ट्र की जांच, करिए आप कर्नाटका की जांच, और आप झारखंड की भी जांच कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी पूरी कवायद चल रही है ऑपरेशन लोटस के तहत कि कैसे वहां की राज्य की सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी जाए। तो जांच एक नेशन वाइड देशव्यापी जांच होनी चाहिए, जिसमें दिल्ली भी शामिल हो, कर्नाटका भी शामिल हो, मध्य प्रदेश भी शामिल हो, अरुणाचल प्रदेश शामिल हो, मणिपुर शामिल हो, मेघालय शामिल हो, गोवा शामिल हो, जिन सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारने के बावजूद दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीद कर और पैसे देकर अपनी सरकारें बनवाई हैं। देखिए मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, इस मामले की जानकारी लेके हम आपको ब्रीफ करेंगे।